देखो फिर भी बारिश चालू है अभी। तो गाइज ये है अफजलपुर का बस स्टैंड, आप देख। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम शादी में जा रहे हैं, मेरे दोस्त के फ्रेंड की शादी है। आप देख सकते हो मैं हाईवे पे ही खड़ा हूँ। हम दोनों जा रहे हैं, फ्रेंड का मतलब फ्रेंड है, इनका ही दोस्त का शादी है। और तो आज हम जा रहे हैं, तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए रहिए इस व्लॉग के साथ, बने रहिए दोस्तों। अभी हम अफजलपुर गांव को पहुंच गए हैं। अभी ये भी कर्नाटक का तालुका है। अब यहीं पे यहाँ इसी गांव में है अभी शादी में अभी जाते हुए। दुधनी गांव से 19 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर तक पड़ता है यहाँ पे। चौक है ये अफजलपुर का, यहाँ पे राइट मारोगे तो बीजापुर ये जाता है, और लेफ्ट मारोगे तो गुलबर्गा गंगापुर तक पैसे की तरफ जाता है। अभी थोड़ा ATM से पैसे पे निकाल लेते हैं। ये कर्नाटक का ATM है, अब तो SBI का यहाँ पे, अभी यहाँ से पैसे निकल जाते हैं वहाँ से, बहुत ही इजी की तरह से। तो गाइस ये है अफजलपुर का बस स्टैंड, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। वो बाजार पेट जो अफजलपुर का बाजार पेट है, सब खड़े पूरा सब कपड़े का दुकान यहाँ पे। जब जो भी कपड़ा वगैरह लेना है ना, यहाँ पे आके कपड़ा लेने का, देख सकते कुछ। अभी लॉकडाउन की वजह से सब दुकान बंद है, आधे कपड़े पूरा खुला नहीं है, लेकिन सब खुला रहता है। इधर गली में है, क्या है मालूम नहीं इधर कहाँ पे। मैं घर पे आ चुका हूँ, मेरे दोस्त को भी घर गांव में छोड़ के आ गया हूँ, और मैं अभी घर पे पहुँच गया हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसा शादी था भाई, आपने दूल्हा को भी नहीं दिखाया, दुल्हन को भी नहीं दिखाया है। तो भाई आप लोग को बता देता हूँ कि अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसी शादी हो रही है ना भाई, तो सुबह में ही ऐसी शादी कर दिया है, मतलब ऐसा हो गया है। और हमारे गांव में भी ऐसे ही है, सुबह सुबह 6 बजे ही शादी हो जाती है, और ऐसे ही उधर भी मुसलमान में भी ऐसे ही होता है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि वो मेरा दोस्त भी मुस्लिम है, और वो शादी भी मुस्लिम में ही शादी थी, तो इसकी वजह से ऐसा हो गया है। और मैं खाने में ना भाई बहुत ही मज़ा आ गया भाई, पेट भर के खाना खा के आ गया भाई। बस अभी शाम के 4 बज गए, अभी मैं जा रहा हूँ गांव में, थोड़ा काम है मुझे, तो इसलिए गांव में जा रहा हूँ मैं। तो चलिए गांव में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गांव से घर जा रहा, तो बारिश लग गया, अब इसे कितना ज़ोर से बारिश गिर रहा है। बारिश में ही रुक गया हूँ मैं इधर, यहाँ पे देखते हो। गाइस अभी घर पर आया हूँ, देखो फिर भी बारिश चालू है अभी, और मैं भीगते भीगते आया हूँ घर पर, आप देख सकते कैसा पानी बारिश गिर रहा है भाई। मैं भी भीग गया हूँ बारिश में, अभी देख सकते पूरा पूरा मेरा टी शर्ट सामने का साइड में पूरा भीग गया है, पूरा सामने का। बहुत बारिश आ रहा है ना भाई, लगभग अभी 4 बजे से बारिश चालू, 4:30 बजे से बारिश चालू है ना, और मैं वैसे ही उधर बारिश रुकने का इंतज़ार करता रहे, तो रात भर गिरता रहे तो कैसा रहेगा ना भाई। तो इसलिए अभी थोड़ा बारिश कम हुआ तो मैं भागते हुए आया अभी इधर, में फिर भी मैं भी गया, अभी भी बारिश चालू से। तो गाइस आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि भाई अभी मैं बारिश में जैसे भीग गया था ना, तो टी शर्ट भी निकाल दिया है, तो भाई बहुत ही बारिश में भीग गया, तो इसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, अभी बारिश कम हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।